हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह मैं अपने गार्डन में थोड़े से रोजेज़ मैंने अपने प्रून कर लिए, क्योंकि वो रोजेज़ ख़त्म हो चुके थे। जैसे कि देख रहे हैं साइड पे से, इसके सारे पेटल्स धीरे धीरे करके अब ब्लैक होना स्टार्ट हो गए थे। तो मतलब अभी ये रोजेज़ ख़त्म होने पर आए थे, तब हमें अपने रोजेज़ के ऊपर थोड़ी प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। तो रोजेज़ के ऊपर फ्रेंड्स प्रूनिंग कैसे करते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे एक कमेंट आई है कि हमें अपने मिनिएचर रोजेज़ या तो बटन रोजेज़ के ऊपर प्रूनिंग कैसे करनी है, वो आप बताइए। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा एक मिनिएचर रोज़ का प्लांट है, और मिनिएचर रोज़ और बटन रोज़, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये मेरे बटन रोज़ के प्लांट है। इसके ऊपर भी बहुत सारे फ्लावर्स निकले हुए हैं। तो बटन रोज़ और मिनिएचर रोज़ में फ्रेंड्स एक ही सिमिलैरिटी रहती है कि वो छोटे छोटे फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है और बंच में फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। और जो हमारे कश्मीरी रोज़ है फ्रेंड्स, वो भी बहुत ही अच्छे बंच में फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई भी ऐसा प्लांट हो फ्रेंड्स जो बहुत ही बंच में फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है और जो फैलता है, वो लंबा नहीं होता। जैसे कि देख रहे हैं मेरे जितने भी कश्मीरी रोज़ हैं, ये मेरे मिनिएचर रोज़ है, बटन रोज़ है, ये सारे रोज़ फ्रेंड्स फैलते हैं, ज़्यादा हाइट में नहीं जाते। तो ऐसे रोज़ में फ्रेंड्स हमें ज़्यादातर हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। अब जहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप ये फूलों का गुच्छा अगर आप कट करना चाहते हो, तो बाद में लास्ट फूल जहाँ से निकला हो, जैसे कि ये आखिरी फूल है, यहाँ से हमें उसको कट कर लेना है। फ्रेंड्स अभी मैं इसको कट नहीं करूँगा, क्योंकि रोज़ की कंडीशन अभी अच्छी है। ये भी सारे नए नए खिले हुए हैं, तो सारे रोजेज़ अभी नए खिले हुए हैं, तो मैं अभी प्रूनिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। जैसे कि अभी ये जो रोजेज़ हैं, ये ख़त्म होने पर आएंगे, तब मैं उसको यहाँ से कट कर लूँगा। यानी कि ये जो स्टेम देख रहे हैं, ये लास्ट रोज़ की स्टेम है, उसके ठीक नीचे से फ्रेंड्स मैं इसको कट कर लूँगा। और यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक नोड एरिया है, और ये नोड एरिया से न्यू स्टेम निकलेगी और वहाँ से रोज़ अपना फिर से नई ब्लूम्स करना स्टार्ट कर लेगा। तो हमें यहाँ से, यानी कि लास्ट जो रोज़ खिला हुआ है, उसके नीचे से आप कट करिए। एकदम ही नोड एरिया के नज़दीक से कट ना करें, कट हमेशा थोड़ा ऊपर से लगाएं, क्योंकि जब भी आप कट लगाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से अपने जो रोज़ की स्टेम होगी वो थोड़ी डाईबैक होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा इसके ऊपर फंगीसाइड का पेस्ट लगा देना है, ताकि जो फंगस होगा वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएगा। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें अपने मिनिएचर रोजेज़, हमारे बटन रोजेज़ और हमारे कश्मीरी रोजेज़ को हमें प्रून करना है। जैसे कि फ्रेंड्स ये तो देख रहा है, ये कश्मीरी रोज़ है हमारे, और कश्मीरी रोज़ में फ्रेंड्स यहाँ से इसकी जो स्टेम निकल रही है, वो लास्ट फ्लावरिंग स्टेम है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर फ्लावरिंग का गुच्छा निकला हुआ है, तो यहाँ से फ्रेंड्स हमें इसको कट कर लेना है, ठीक यहाँ से। और यहाँ से जो स्टेम निकल रही है, उसके ऊपर फ्लावरिंग बड्स जनरेट होंगे, तो यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगा, ताकि पूरा ये गुच्छा जो फ्लावर का है वो निकल सके। और मैं अपने बटन रोज़ के ऊपर भी बता देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो हमारा बटन रोज़ का जो फ्लावर्स सारे गुच्छे में खिल रहे हैं, तो यहाँ से हमें इसको कट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से दो ब्रांचेज डिवाइड होती है और दोनों के ऊपर फ्लावरिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ठीक यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगा, ताकि नीचे वाले जितने भी नोड एरियाज़ हैं, वहाँ से फिर से न्यू ब्रांचेस प्रोड्यूस हो सके और हमारे प्लांट फ्लावरिंग फिर से कर सके। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको आइडिया आ गई होगी कि हमें जो कश्मीरी रोजेज़ है, बाद में मिनिएचर रोजेज़ है, बाद में हमारे जो बटन रोजेज़ हैं, ये सारे रोजेज़ की प्रूनिंग कैसे करनी है। जहाँ तक फ्रेंड्स हमारा ग्लैडिएटर रोजेज़ है, जिसके ऊपर लंबे लंबे ब्रांचेस प्रोड्यूस होते हैं और एक ब्रांच पर सिर्फ एक ही फ्लावर प्रोड्यूस होता है, जैसे कि देख रहे हैं ये मेरा ग्लैडिएटर रोज़ का प्लांट है, यहाँ से एक स्टेम प्रोड्यूस होती है, ये स्टेम सीधी ऊपर जाएगी और स्टेम के एंडिंग पे आपको सिर्फ एक ही फ्लावरिंग बड निकलेगा। तो जैसे कि ग्लैडिएटर रोज़ जैसे प्लांट होते हैं, या तो आपके कोई इंग्लिश रोज़ के प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, जिसके ऊपर सिर्फ एक ही फ्लावरिंग बड निकलता हो, तो ऐसी स्टेम को फ्रेंड्स हमें 50% जितना कट कर लेना है। यानी कि मैं उसको यहाँ से कट कर लूँगा, ताकि जो नीचे वाली जो स्टेम है, वो बाद में वहाँ से नीचे से न्यू ब्रांचेस प्रोड्यूस हो सके और वहाँ से न्यू फ्लावरिंग बड्स जनरेट हो सके। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक ब्रांच प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ एंडिंग पे हमें सिर्फ एक ही फ्लावर मिलेगा और ये बड़ा सा फ्लावर खिलेगा। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स, ये रोजेस को हमें 50% जितनी इसकी ब्रांच को कट कर लेना है और नीचे से उसकी फिर से न्यू ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें अपने रोजेस की प्रूनिंग करनी है। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।